वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो गाइज। सो आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि दिवाली वैकेशंस ख़त्म हो गए हैं और वापस अभी बुला रहे हैं तो मेरे को भी जाना पड़ेगा। आज के लिए मेरा लास्ट डे है घर पे। वैसा लास्ट डे नहीं है, वैकेशन का लास्ट डे। बाकी व्लॉग्स वगैरह वहाँ शायद थोड़ा स्लो आएंगे मगर इतना जल्दी नहीं आएगी जितना जल्दी मैं यहाँ पे डाल पा रहा था। घर पे तो बहुत सी चीज़ें मिल जाती, जैसे घर में पहाड़ी रेसिपीज वगैरह बना देते हैं। पहाड़ी से याद आया, आज दीदी भी आ रखी हैं। जिसने दिवाली व्लॉग देखा होगा तो वो लोग समझ जाएंगे। मम्मी भी है साथ में, वो लोग बना रहे हैं, काफी स्पेशल डिश बना रहे हैं। आज से पूछूंगा भी क्या बनाने जा रहे हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। अरे ये वही दीदी है गाइस, परेश रावल ने देखा होगा। लोग बोल रहे हैं कि आपको बहुत, दीदी को बुलाओ। ऐसे बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो? कुमाऊनी वाल बच्चिया नहीं बह, मैं काऊ बटली बहई और सफेद बटली बहई और मैरून बटली हूँ और कुछ बढ़नी बही है। कुमाऊ लोग नहीं बह मैं ज्यादा और कोई नहीं जाना मेरे बारे में। अगर जो देखा उन बल लग गया उन खबा दूंगी। ठीक है, फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं। जैसे दीदी और मम्मी यहीं पे बैठे हैं, पहाड़ी रेसिपी बन रही है और मम्मी अभी चूल्हा जला रहे हैं। तो दीदी से पूछते हैं, दीदी क्या बना रहे हो आज? मैं ये पहाड़ी भट्टी बोलते हैं इसको। अच्छा, और भट पीस रहे हैं और भट्टी बनेगा। तो दीदी उनको क्या बोलना चाहते हैं जो दिवाली में आपके ब्लॉग देखे लोग बोल रहे परेश रावल वाली दीदी हैं? उनको मैं बोलना चाहती हूँ नमस्ते, मेरी सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है दीदी, थैंक यू। मम्मी आज आप क्या बना रहे हो? दीदी की तरफ से तो भट हो गया। घी बना रहे हो? कितने दिन का घी है वो? 15 डेज का घी है। फिर इसके साथ कढ़ी बनती है। अच्छा। इसको कढ़ी में और थोड़ा चावल थोड़ा कढ़ी के साथ खाते हैं, पयो बोलते हैं पहाड़ी में। अच्छा। गाइज आपको पहाड़ी रेसिपी देखने को मिल सकती है आज, बहुत ज्यादा अच्छा है। जिसको अगर खाना है तो दीदी से कांटेक्ट कर लेना, मेरे को बता देना कमेंट्स में, दीदी का नंबर भेज दूंगा। रेसिपी पूछना है खाने का वो आप पूछ सकते हैं, दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है सच्ची। मम्मी नंबर दो में, दीदी नंबर एक में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। दीदी इसको कितना टाइम लगता है पकने में? ज्यादा पकाना पड़ता है ना तब स्वाद होता है। मेरे उत्तराखंड में, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी।
दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पहाड़ी रेसिपी। एंड देयर इज वन मोर रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो भी चैनल को देखते हैं या फिर पसंद आती है, जिसको नहीं भी पसंद आती है, प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करके जाना, क्योंकि एडिटिंग करने में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मेरे को पता है, और जो बाकी वीडियोस एडिट करता होगा उसको भी पता होगा कि काफी टाइम लगता है। तो इस चीज के लिए प्लीज एक लाइक कर देना, क्योंकि वो चीज मेरे को मोटिवेट करती है। अगर आपको एक लाइक भी अगर ज्यादा वो अच्छा लगता है कि सब्सक्राइबर मेरे उतना नहीं है जितने व्यूज आते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए, सो दैट अच्छा लगेगा कंटेंट बनाने में, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है अभी। ये जो व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं वो नीचे जम जाएगा जी, और ये जो ऊपर ट्रांसपेरेंट सा देख रहे हैं वो घी है एक्चुअली। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। इधर पकड़ा पता है, उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे गाइस। हाँ तो सही है, संभाला पकड़ लिया तुमने, उतने दिन से गुस्सा था वो। कैसे पकड़ा फिर? ग्लव फोटो दिखाए बाहर आ गया। वो राजपाल यादव वाला आया, वो एकदम से बाहर आ गया। गांव वाले पहले भिजवाते थे, अब नहीं भिजवाते। गांव वाले तो पहले इस पढ़ाई को खोल गए, मैंने भी लाया है। रिश्तेदार कोई नहीं देता, थोड़े चूड़ी भेज देते, एक मुट्ठी हो गया। दीदी अपना गुस्सा निकाल रहे हैं ब्लॉग में। एक एक सो जो भी रिश्तेदार है, मामा मुंबा जी देख लेना अपने हिसाब से, जैसा भी बात करनी है। एक मुट्ठी चूड़ी भिजवा देते हैं, बस दो मुट्ठी दाल भिजवा देते हैं। आजकल कोई नहीं देता, यहाँ देखिए घी बोलेंगी या फिर उनका तो ज्यादा घी हो रहा है बोलेंगे। यहाँ देख के माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ बोलेंगे, हमको नहीं माफते हैं, बोला ये तो उनका तो ज्यादा जो घी हो रहा है बोलेंगे। बाबू सच्ची में गाँव में घी ऐसे बनाते हैं पढ़ाई में, बोलेंगे वो लोग तो ऐसे घी बिला रहे हैं, क्या भेज रहे हैं उनको। तो दीदी आप कितने गरीबों को कितना मुआवजा देना चाहते हो आप? ये फंस गया सी है, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। मुआवजा कहाँ से दूरी में? अरे दीदी वोट अच्छी जगह जाना चाहिए क्यों? बिल्कुल अच्छी जगह जहाँ सुधार। आप अभी वोट किसको देगो दीदी? मैं तो जो देखूंगी, पहले बात करूंगी, जो सही करेगा रास्ता हमारा उसी को देंगे। मैंने सोचा आप दीदी ऐसे बोले, मैं बात करूंगी जो ज्यादा कैश रखेगा। म्यूजिक दीदी के सर में गोप्रो कैमरा लगा दिया मैंने, पहाड़ी चोटी है मेरी। दीदी का बोलना है कि आपसे नहीं बनता हमें। दीदी का बोलना है कि हम ऐसे बड़े हो गए। दीदी गांव में थे, हमको नहीं भेजते थे। कितना डिब्बे भेजे तुम्हें? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। जो दीदी का उम्मीद करते हैं उनसे जो का मजाक है, जो का नून है, मैं ब्लॉग दे होगा प्योर घी टंट का। अभी तू गांव को अभी कुमाऊनी सीन चल रहे हैं यहां, वो बोल घी तो अच्छे से बिलाया नहीं, निकाल गया नीचे वो बिलू ने बिके मैं बाबू घर गये, इससे कहीं बिलाते है बिलू बिला बिलू बे मजाक कर दी ना मैं बाबू की। अब ऐसे करते हैं बिकी देखे, ये हमारा गांव का स्टाइल है, घी बनने लग गया तो उसको ऐसे पानी देना है उसको, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें। और अब ऐसे हम इसको निकालेंगे, अब हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे, इसलिए ट्रांसफर करेंगे क्योंकि इसमें हमारे उसमें तो थोड़ा इसको अग्नि माता को भी घी पिलाते हैं फिर बनने के बाद। को चढ़ा दिया गाइस, अभी इसमें पानी डाला है, अभी ये भट्टी भी बनानी है ना, पानी गर्म होगा जब उबलेगा ना तब भर डालेंगे इसमें, ये वाली जो पीस रखी है। अच्छा फिर वो पकता रहेगा, फिर चावल डालेंगे थोड़ा, भिगा रखे हैं जो चावल। अच्छा इसमें भिगा रखे हैं, ये बाद में डलेगा फिर, पहले वो डलेगा ना, इतने चावल से हो रहा है। हाँ वो तो वो भी है, वो पकेगा पहले। ये लकड़ी क्या गजे कैसे बांध रखा है होगा, ये इसकी भी ये बिल्कुल गांव में फलना था इसको यहाँ आ गई।
ये किसकी है? मेरा ही हो, उसे बाजू को फटने ये लियो। अरे मैया तू तो देख लियो। आपकी सुनो तो मम्मी ने आए थे दीदी आपकी मेरी थी ये देखा मम्मी ने बाजू काट दी इसके। मैं सोच रही हूँ मेरी ऐसी सोच रही है अभी पहचाना मैंने तो इसको। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। A few minutes later. ये देखो ये पानी है उबल गया, फिर इसमें ये डाल दिया भट भट बोलते हैं, सोयाबीन भी मिक्स है इसमें। बोलते हैं पानी भट डाल दिया गाइस, हमारी दालों में ठंडी में बहुत खाते हैं इसको। भट्टी भट्टी बोलते हैं, कहीं डुबुक बोलते हैं, डुबुक भी बोलते हैं, भट्टी भी बोलते हैं, इसका कई नाम है। गर्मी तो खाते रहते हैं, हमारा तो ठंडी में यहाँ, क्योंकि गर्मी तो पहाड़ी इलाका है, ठंडा होता है, कभी भी खा लेते हैं हम लोग तो यहाँ का। ठीक है दीदी, ये तनाव बोलते हैं, गार्डन में ही हुए थे, हमारे गार्डन में हुए थे, गार्डन की है बस, अभी दिन का बना रहा है तो शाम की तैयारी भी हो रही है साथ में। अरबी बोलते हैं, अरबी वैसे अरबी बोलते हैं हमारे पहाड़ में। हमने भैया दूज के दिन अरबी बनाए थे ना, भैया दूज गट्टे की, अरबी नहीं गट्टे की बनाई थी। अच्छा गट्टे की सब्जी अच्छा लगा, हाँ गट्टे का बहुत बढ़िया। देर तक अभी घुमाएंगे, अभी इसको जब बुदबुद करेगा थोड़ा सा बुबले जैसे आएंगे। जब जब उबलने लगेगा तब उसको थोड़ा सा उबलने लगेगा ना, ऐसे बुबले आएंगे फिर उसको, फिर चावल डालेंगे इसके ऊपर। ये देखो ये चावल डाल रहे हैं, चावल डाल ये इसके ऊपर, जब ये थोड़ा सा ऐसे उबलने लगेगा ना फिर इसके ऊपर पानी ये डालेंगे, क्योंकि ये उबल पूरा, क्योंकि ये उबल के बाहर आ जाता है, चावल डालेंगे फिर बैठ जाता नहीं, थोड़ा उबलने लग गया इसके बाद इसमें थोड़ा चावल डालेंगे, आधा कटोरी चावल बिगा रखा था एक दो घंटे पहले, इसको डालेंगे। चावल डाल दिया गया इसमें उबलने, और फिर इसमें नमक डाल देंगे, बस सिर्फ यही है और कुछ नहीं है, तेल इसमें मसाला इसमें कुछ नहीं, बस नमक भी। तो ये कड़ी के साथ खाया जाता है गाइस, अभी जब कड़ी बनाएंगे तो उसकी रेसिपी भी आपको अभी वीडियो में दिखा देंगे, तो जब तक के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए चैनल। तो फाइनली ये ऐसा कलर का हो चुका है बॉयल होने के बाद, काफी टाइम अभी ये पक गया है, 5-10 मिनट और पकाएंगे इसको, फिर ये पूरा रेडी हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या बनाना है? पहाड़ी में पयो बोलते हैं, झोल भी बोलते हैं, अरबी के डंडे हैं, लोग बाग फेंक देते हैं, ये कड़ी में डालेंगे गाइस अभी। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़, ये अरबी पेड़ के डंडे हैं, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। फाइनली तैयार हो गया ये बनके, डाली डाली फूल निकाल दिया यहाँ, तुझको बुलाए रे मुसाफिर, लहसुन के पत्ते, ये कड़ी पत्ता, ये अरबी के जो पेड़ होता है ना उसके डंडे काट के कड़ी बनती है। जीरा थोड़ा थोड़ा करके, जीरा और राई और लहसुन के पत्ते और कड़ी पत्ता और उसको फेंक देते हैं, पर कुमाऊँनी लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अब इसको हम तेल में फ्राई करते रहेंगे तो इसकी कड़ी बनेगी। अभी डाला मैंने नमक, रुक जाओ पत्ता खत्म होता पाक लो बदर जालो, तो बस ये मेथी है, मेथी डाल देना, हाँ इसको भी थोड़ा सा फ्राई करते हैं दीदी, और थोड़ा सा लाल मिर्ची और धनिया पाउडर, बस बस
और पानी डालेंगे इसमें थोड़ा सा। ये बेसन, बेसन डाल दिया। हाँ। अभी और ये लस्सी है, मट्ठा, मट्ठा पायू। दीदी और मम्मी के लिए एक लाइक बनता है गाइस, तो जल्दी से एक लाइक और सब्सक्राइब। ये बहुत ज्यादा धुआं जैसा हो रहा है इसलिए। फाइनली तैयार हो चुका है ये, बस 5 मिनट और। तो फाइनली कुकर और चावल के साथ मैं चावल ला गया। बाय बाय। तो दीदी ऐसे बोल दो सब्सक्राइब।